बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सब बच्चों का फेवरेट चिकन पिज्ज़ा। पिज्ज़ा बनाने के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है डो मेकिंग। एक बार आप डो सही प्रिपेयर कर लें तो आप टॉपिंग के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बहुत सारे वेराइटी के पिज्ज़ाज प्रिपेयर कर सकते हैं। डो बनाने के लिए मैंने लिया ऑल पर्पज़ फ्लावर या मैदा। उसमें मैंने ऐड कर दिया सॉल्ट, शुगर, इंस्टेंट यीस्ट, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर और ऑयल, और उसे मैंने नीम गर्म पानी से अच्छी तरह गूंद लिया। डो बनाते हुए इन दो बातों का ख्याल रखें कि पानी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें ज़रूरत के मुताबिक। दूसरा ये कि पानी नीम गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं, वरना यीस्ट इनएक्टिव हो जाएगा। डो को 5 से 6 मिनट तक गूंदें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जब डो प्रिपेयर हो जाए तो उसकी सरफेस पे ऑयल लगा के कवर करके किसी गर्म जगह पे 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। सर्दियों के मौसम में डो को प्रूफ होने में थोड़ी देर लगती है, तो ऐसी सूरत में ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट करें। उसके बाद ओवन बंद कर दें और उसमें वो डो रख दें। जितनी देर डो प्रूफ हो रहा है उतनी देर हम पिज्ज़ा की बाकी टॉपिंग्स प्रिपेयर करेंगे। तो चिकन टॉपिंग के लिए मैंने एक पैन में लिया ऑयल, उसमें मैंने डाल लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया बोनलेस चिकन ब्रेस्ट। चिकन क्यूब्स को ऑयल में हल्का सा सौते करें, फिर इसमें सीजनिंग्स ऐड कर दें। सीजनिंग्स में मैंने यूज़ किया सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और पेपर फ्लेक्स। बस फिर मीडियम हाई फ्लेम पे चिकन को कुक करना है, यहाँ तक कि चिकन अच्छी तरह पक जाए और उसका सारा पानी भी खुश्क हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। जब डो राइज हो जाए तो उसे एक दफ़ा फिर हल्का सा अपने हाथों से गूंद लें। फिर 12 से 14 इंच का पिज़्ज़ा पैन लेके आप उसकी बेस पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दें। उसके बाद हाथों की मदद से इस डो को पैन के ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। पिज़्ज़ा बेस को रोलिंग पिन से भी स्प्रेड किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में हाथों से ये काम सबसे आसानी से और सबसे तेज़ी से किया जा सकता है। फिर किसी भी ब्रांड का पिज़्ज़ा सॉस लेके उसे पिज़्ज़ा के बेस पर स्प्रेड कर दें। इसके बाद थोड़ा सा श्रेडेड मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़ा के बेस पे स्प्रेड कर दें। ऐसा करने से बेक होने के बाद पिज़्ज़ा टॉपिंग्स उसके डो से स्लिप नहीं करते। फिर एक एक करके पिज़्ज़ा की सारी टॉपिंग्स उस पर स्प्रेड करनी है। सबसे पहले चिकन क्यूब्स को हमने मज़ीद छोटे चिकन चंक्स में काट के स्प्रेड कर दिया। उसके बाद चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड कैप्सिकम और चॉप्ड टोमेटोज स्प्रेड कर दिया। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स, उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ और डिटेल्ड रेसिपी स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। इसके बाद कुछ ऑप्शनल टॉपिंग्स की बारी आती है, जिसमें मैंने यूज़ किया स्लाइस ब्लैक ऑलिव्स और हैलेबिनो पेपर्स। ये ऑप्शनल टॉपिंग्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा तैयार हो सकता है। फाइनली उस इंग्रेडिएंट की बारी आती है जिसके बगैर पिज़्ज़ा नामुकम्मल है, और वो है श्रेडेड मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करने के बाद ड्राइड ओरिगानो पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। इसके बाद पिज़्ज़ा को 180 डिग्री सेंटीग्रेड के प्री हीटेड ओवन में 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक कर लें और फिर इसके स्लाइसेस काट के गरम गरम सर्व करें। तो
मुझे उम्मीद है कि यह आसान सी पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और एक दफ़ा आप ये पिज़्ज़ा बना लेंगे तो आपके बच्चे फ्रीक्वेंटली आपसे पिज़्ज़ा बनाने की फरमाइश करेंगे। हमेशा की तरह आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हमारे तमाम कामों में आसानियाँ अता फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।